वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे काइट शेप का जो गले की हमने कटिंग की थी इसकी हम स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बैक साइड कट की हुई है और यहाँ पे हमने गला कट किया है। तो इसके लिए जो कैनवास पेपर पर हमने गला कट किया था इसको पहले हमें कपड़े पे तैयार करना पड़ेगा। पहले हमें इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर हमें पूरे कैनवास पेपर पर गले पर हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें गले के ऊपर पहले सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने ये अल्पिन लगाई थी उसको हम निकाल देते हैं। इस तरह से हमने ये गले के ऊपर अभी ये सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे हमें आधा इंच बाहर के साइड से इसको कपड़े को छोड़ के इसकी हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमें इसको बीच में इसको कट लगाने हैं, दोनों साइड में यहाँ तक हमें कट लगाने हैं और यहाँ से हमें इस तरह से उसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये बाहर के साइड से इसको फोल्ड किया है। अंदर के साइड से भी हम आधा इंच छोड़ के इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये जो अंदर का जो कपड़ा था एक्स्ट्रा उसको हमने कट किया है। आधा इंच हमने ये कैनवास पेपर का जो गला है यहाँ से हमने आधा इंच का ये मार्जिन रखा है। अब यहाँ पर हम ब्लाउज पीस पे यानी कि ये बैक साइड पर हम ये गला अभी तैयार कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये अल्पिन लगाई है। अब इसको गले के ऊपर कैनवास के साइड से हम यहाँ पे
एक सिलाई लगाते हैं। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे गले के सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे हमें अंदर के साइड से सिलाई छोड़ के हमें इसको कट करना है। जैसे हमने गले का शेप दिया है उसी तरह से हम इसको कट करेंगे। हमने ये अंदर के साइड का कपड़ा जो था उसको हमने कट किया है। अब यहाँ पे हमें इसको इस तरह से अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने ये कॉर्नर में कट लगाए हैं और गोलाई में भी छोटे छोटे कट लगाए हैं। तो अंदर के साइड में इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। जैसे हमने ये गले को अंदर के साइड में इस तरह से इसको फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद ये जो लेस है इसके ऊपर हम लेस लगाते हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ हम लेस लगाते हैं। पूरे गले के ऊपर हम इस तरह से लेस लगाते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये गले के ऊपर इस तरह से ये लेस लगाई है। यहाँ पे आपको जो डोरी चाहिए तब डोरी बना के यहाँ पे लटकन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बटन लगाने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पे इसको बटन को हम स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये बीच में बटन लगाया है। तो हमने ये काइट शेप का जो डिज़ाइन हमने बैक साइड में ब्लाउज़ के बैक साइड में ये बनाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।